हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए। दोस्तों, ये जानकारी आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी यानी स्टेनोग्राफर की टाइपिंग से जुड़ी हुई। बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन थे, क्वेरी आई मेरे पास कि किस फॉन्ट पर टाइपिंग होगी सर। तो ये टाइपिंग किस फॉन्ट पे होगी, इसकी ऑफिशियल नोटिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दी है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्वायरमेंट 2016-17 की उन्होंने किस फॉन्ट पे टाइपिंग होगी। तो साफ साफ इसमें लिखा है कि दिस इज हेयर बाई फॉर्म टू ऑल कंसर्न दैट द परसुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये नंबर है और ये सब कोर्ट के बारे में जानकारी दी है कि क्लर्क कैडर की यानी कि क्लर्क ग्रेड की जो नौकरी थी वो 31/7/2017 को एडवर्टाइज जारी हुआ था। जो स्टेनोग्राफर की डेट 31/7/2017 तक, कंप्यूटर में जो टाइपिंग होने वाली है कंप्यूटर बेस्ड, उसकी रिटर्न एग्जामिनेशन स्टेट फर्स्ट के बाद जो एग्ज़ाम हुआ था 8/10/2017 से 12/11/2017 जिसकी डेट थी रिटर्न एग्जामिनेशन की, उसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड पोस्ट जो थी ग्रुप सी की, उसमें हिंदी टाइपिंग में लोग बहुत कंफ्यूज थे कि किस पे टाइपिंग होगी। तो साफ साफ उन्होंने एक जारी कर दिया है कि मंगल फॉन्ट यूज कर सकते हैं। थ्री आप तीन ऑप्शन है इसमें, आप मंगल पे भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो दोस्त अभी तक मंगल पर टाइपिंग कर रहे थे या मंगल पर इनकी टाइपिंग अच्छी है, उनके लिए तो ये खुशखबरी ही है। और जो दूसरी टाइपिंग कर रहे थे वो भी कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन दे दिए गए हैं तीन तीन। तो आप देख सकते हैं कि उनकी कि जिस भी उसमें जिन पे भी टाइपिंग करना चाहें वो उस पर कंफर्टेबल हों, उस पर टाइपिंग कर सकते हैं। तीन तीन ऑप्शन आ गए हैं। तो दोस्तों, अब कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रह गई। आप जिस पे भी टाइपिंग आपकी बेस्ट हो उस पर टाइपिंग करिएगा, और आप जिस भी फॉन्ट पे टाइपिंग कर रहे थे बस उसी पर लगे रहिए। उम्मीद है कि ये जानकारी से ज़्यादातर लोगों को परेशानी जो भी थी वो दूर हो गई होगी, अब उनको पता चल गया होगा कि किस पे टाइपिंग होने वाली है। तो दोस्तों, ये जानकारी ऑफिशियल नोटिस आप देखना भी चाहते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वेबसाइट पे उन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी की है वो ऑफिशियल पे आ चुकी है। अगर आपको डाउनलोड करना हो तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो दोस्तों आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कैसी जानकारी लगी, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय मित्रों।